अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशिर और आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर को बयान करने से पहले यहाँ कुछ नंबर है जिन्हें बताना मैं जरूरी समझता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हमारी आम लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं क्वांटिटी के लिए, हम कोई भी यानी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हम मैथ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एंड से, कैसे करते हैं इक्वल टू हमारे पास वन टू थ्री एंड सो ऑन। ये सब के सब हमारे पास हैं नेचुरल नंबर जो वन से शुरू होते हैं और आगे चलते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर के अंदर सिंपली हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इन्वॉल्व करते हैं। जब भी हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को भी ऐड करके वो हमारे पास होल नंबर करते हैं और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। ये हमारे पास होल नंबर बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर के अंदर हमारे पास सब के सब जो पॉजिटिव नंबर हैं वो भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं और इसके अंदर हम जीरो को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इंटीजर नंबर के अलावा तीन चीज़ें हैं, एक नेगेटिव इंटीजर है जबकि नेगेटिव नंबर जितने भी हों सब के सब, उसके अलावा पॉजिटिव नंबर भी है और उसके अलावा जीरो भी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर नंबर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रियल नंबर इन्वॉल्व होता है दो चीज़ों के अंदर। एक को हम कहते हैं रैशनल नंबर और सेकेंड वन हमारे पास है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और p और q क्या है, ये कोई भी इंटीजर है यानी कि p एंड q बिलोंग करते हैं, कोई भी इंटीजर है। और q इसके अंदर इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसको हम सब इंटीजर के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट हमेशा करेंगे q से, q इज इक्वल टू p ओवर q सच दैट p and q belong to integer and q is not equal to zero and हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बनता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी आगे दो इकसान है जिसके अंदर नंबर वन आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और जो दूसरी है इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, रियल नंबर के अंदर ये आसानी से समझ आ जाएगा कि एक तो रैशनल हो गया और ये रैशनल नंबर। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रैशनल की। रैशनल के अंदर दो चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग हम रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, अब रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में दो तरीकों से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने देख लिया। इसके जो फर्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन को मैं बताता चलूँ, कोई भी हम नंबर लिखते हैं डेसिमल की फॉर्म में तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सच दैट लाइक 2.3794 ये हमारे पास यानी डेसिमल की फॉर्म, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होगा जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ होगी ये फाइनल नंबर होगा। इसके जो अंदर डेसिमल के अंदर जो डिजिट होंगे ना, जो नंबर होंगे वो हमारे पास फाइनल होंगे जो हम आसानी से गिन सकते हैं, लाइक दैट 0.47। अब ये फाइनाइट है और ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अंदर हमारे पास जो पहली बात है वो ये होती है कि ये इनफाइनाइट होते हैं, हम इसको आसानी से काउंट नहीं कर सकते। ये यानी लाइफ है, अगर ये नंबर आगे चलता जा रहा है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ये कहलाएगा, इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट बात है, इसके अंदर डेसिमल के बाद जो इशारे के बाद नंबर होंगे वो सेम यानी कि या तो सेम ग्रुप के अंदर रिपीट हो रहे होंगे या सेम ही नंबर दोबारा बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी कि मिसाल के तौर पर 0.333 एंड सो ऑन।
इसके अंदर देखो हमारे पास तीन है वो सेम ही नंबर है और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है और ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है और इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग की हमारे पास एग्जांपल है ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग की। इसके अंदर देखिए हमारे पास फाइनाइट नंबर है और डेसिमल की फॉर्म में और ये इरेशनल भी है तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग की फॉर्म है। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है ये हमारे पास चंद दो एग्जांपल है जो नॉन टर्मिनेटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दो को हम नौ पे एक्सचेंज करते हैं हमारे पास जवाब आता है 0.22। इसके अंदर देखिए सेम नंबर है बार बार रिपीट भी हो रहा है और इनफाइनाइट चलता जा रहा है। अब फोर को हम बात करते हैं 11 पर ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्म के अंदर रिपीट हो रहा है 0.36 तो ये जो 36 है ये हमारे पास ग्रुप की शक्ल में ही आ रहा है, सिंगल नंबर तो नहीं है, ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्म पे हम रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबरों को भी हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के अपोजिट है, या तो नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर है जो हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता और इसको हम मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से क्यू प्राइम इज इक्वल टू एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू और P और Q हमारे पास हैं बिलोंग करते हैं इंटीजर से एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री। ये हमारे पास वो नंबर है जो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती, ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। किसी रियल नंबर को हम डायग्राम के फॉर्म में देखें, डायग्राम के फॉर्म में जो रियल नंबर है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, यूनियन है किस चीज़ का, यानी कि नेचुरल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन को हम कहते हैं रियल नंबर। और यानी कि रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास बात आती है कि जो नेचुरल नंबर है वो है सबसेट है होल नंबर का और होल नंबर सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। ये नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर ये तीन चीजें आती हैं रैशनल नंबर के अंदर। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। इसके अलावा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के बनाते हैं हमारे पास रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। रियल नंबर की आगे पांच प्रॉपर्टी मैं यहाँ ध्यान करूंगा जिसके अंदर सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाम से जाहिर हो रहा है रिफ्लेक्सिव यानी अक्ष करता है किसी भी चीज़ की। इसके अंदर कोई भी नंबर होता है वो अपने आप के इक्वल होता है, अब कभी दो नंबर आपस में इक्वल होंगे और जो नंबर है वो रियल नंबर में से कोई होगा इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दो चीज़ों के यानी सिमेट्रिक होता है दो चीज़ें यानी बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दो नंबर होंगे जो आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ वो कहता है अगर ए बी के इक्वल है तो जाहिर बात है बी भी ए के इक्वल होगा, ये अंदर से बात है और इस तरह ए बी है बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसटिव यानी ट्रांसटिव का मैथ के तीन यानी के तीन समझा जाता है। ट्रांसटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास तीन यानी के नंबर होते हैं जिसके अंदर ए इक्वल होता है बी के और बी इक्वल होता है ए के तो सारी बात है ए सी के इक्वल होगा, यानी कि अब इसमें तीन नंबर है एक नंबर दूसरे के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे के इक्वल है तो जो पहले वाला नंबर होगा वो तीसरे के इक्वल होगा। इसमें यही बात की हुई है इसको हम कहेंगे ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर बी सिमिलरली जैसे ऊपर ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इसके बाद आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हो जाए कि ए और बी आपस में इक्वल है तो जो ए प्लस सी है इक्वल होगा बी प्लस सी के, यानी कि वो यहाँ शर्त रख रहा है कि अगर ए बी के इक्वल है तो अगर हम कोई भी चीज़ ए के अंदर जमा करते हैं वो बराबर होगी बी के अंदर हम जो चीज जमा करेंगे वो दोनों चीजें आपस में बराबर होगी और इसमें वही ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने ऊपर बात की एडिटिव की ऐसे यानी मल्टीप्लिकेशन में यही अमल होगा अगर ए बराबर है बी के जो फिर ए सी इक्वल होगा बी सी के, यानी कि अगर हम कोई भी मल्टीपल है
वो ए को भी मल्टीपल कर रहा है, इनके मल्टीप्लाई कर रहा है, और वही मल्टीपल जो है सी वो बी को भी कर रहा है, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो आपस में इक्वल होगा। यानी कि अगर ए बराबर है बी के तो ए सी इक्वल होगा बी सी के, और ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये हम यानी कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने कुछ प्रॉपर्टी भी रियल नंबर की थी। उसके अलावा आज हमने सबसे पहले बात किया रियल नंबर के अंदर, शुरू करने से पहले हमने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के बाद हमने बात किया होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बाद हमने बात किया कि इंटीजर नंबर क्या होता है, फिर हमने बात किया कि रियल नंबर में दो चीज़ आती हैं, या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। रैशनल नंबर को हम जब डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आगे मजीद यानी कि दो किस्मों की यानी कि टाइप होगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और उसके बाद हमने बात किया इरेशनल नंबर की बात की है, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज है, और ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर।